ऐसा असुर जिसकी वजह से आपके पितरों को बैकुंठ में स्थान मिल सकता है। मगध क्षेत्र के गर्भ में स्थित गया का नाम सुनते ही हमारे जहन में पवित्र स्थल का प्रतिबिंब अंकित हो जाता है, जहां लोग अपने पितरों की मुक्ति के लिए पिंड दान और तर्पण करने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मोक्ष स्थली किसी देवता की वजह से नहीं बल्कि एक राक्षस की वजह से बनी है। गया सिर्फ हिंदुओं का पवित्र स्थल ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी बड़ी मान्यता रखता है। गया ही वो स्थान है जहाँ बौद्धों के पूजनीय भगवान बुधवार को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप आज भी उस दिव्य पीपल के पेड़ के दर्शन कर सकते हैं जिसे बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। बहुत समय पहले की बात है, मगध में गया नाम का एक असुर पैदा हुआ, किंतु वो असुरों के विपरीत बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसका मन भगवान विष्णु की सेवा करने में ज्यादा लगता था। उसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे साक्षात दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। इस पर ग्यासुर ने कहा, प्रभु मेरे पास आपका दिया सब कुछ है, अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी मैं आपकी भक्ति करना ना छोड़ूं। ग्यासुर के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु गदगद हो गए और कहा कि जो भी प्राणी तुम्हारे दर्शन कर लेगा या तुम्हारा स्पर्श मात्र कर लेगा, उसने चाहे कितने भी पाप किए हों, वो सीधा बैकुंठ में स्थान पाएगा। ये कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। ग्यासुर पहले की भांति अपने इष्ट की सेवा भक्ति में तल्लीन रहने लगा। इस प्रकार उसके जितने भी रिश्तेदार और जानने वाले थे, उन्होंने लाखों पाप करने के बावजूद बैकुंठ में परम पद पाया। ये देखकर सारे देवता और यमराज बड़े विचलित हुए कि सारे पापी जिन्होंने सदा ही अधर्म के रास्ते पर चलकर मनुष्यों का अहित किया है और जिन्होंने कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया, वो नरक की बजाय बैकुंठ पहुंच रहे हैं। सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सारी धरती से धर्म का नामो निशान मिट जाएगा। इस पर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को इसका कोई हल निकालने को कहा। तब ब्रह्मा जी ने ग्यासुर से आग्रह किया कि आपके दर्शन या स्पर्श मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है, इसलिए सभी देवता आपकी पीठ पर यज्ञ करना चाहते हैं। इसके लिए ग्यासुर सहर्ष तैयार हो गया और फल्गुन नदी के किनारे जाकर लेट गया। उसके बाद सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु भी अपनी गदा लेकर उसकी पीठ पर विराजमान हो गए और उसे स्थिर करने के लिए एक शिला भी रखी गई, जो आज प्रेत शिला के नाम से जानी जाती है। साथ ही भगवान विष्णु ने ये भी कहा कि तुम्हारा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, इस जगह को तुम्हारे नाम से जाना जाएगा और जो भी यहाँ अपने पितरों की मुक्ति के लिए पिंड दान करेगा, उसके पितर बैकुंठ में स्थान प्राप्त करेंगे।